आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और खंड चिकित्सा अधिकारी चंडी डॉक्टर उदय ठाकुर के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ कुठाड़ के प्रांगण में हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने के लिए शुरू किए गए जागरूकता अभियान के तहत विश्व क्षय रोग दिवस के उपलक्ष पर जागरूकता शिविर कोविड-19 के सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किया गया, जिसमें खंड चिकित्सा कार्यालय चंडी से आए स्वास्थ्य शिक्षक राम अवतार ठाकुर ने कुठाड़, मंडेसर, जगजीत नगर, जाडला, गांगुड़ी व दाड़वा पंचायत के प्रतिनिधियों सहित आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की गई थी, जिसके कारण इंसान को क्षय रोग का संक्रमण होता था। उन्होंने बताया कि क्षय रोग जानलेवा बीमारियों में से एक है। अगर इसका सही समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए तो इस रोग से ग्रस्त रोगी को बचाया भी जा सकता है। यदि किसी को 2 हफ्तों से अधिक खांसी रहती है या बलगम में थोड़ा बहुत खून आता है या असमय भार घटना शुरू हो जाता है तो उसे नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर से परामर्श लेकर अपने बलगम की जांच अवश्य करवानी चाहिए, ताकि यदि किसी में ये संक्रमण पाया जाता है तो उसका उसी समय इलाज शुरू किया जा सके। वर्ल्ड लेवल की समस्या है। अगर हम पिछला आंकड़े उठा के देखें तो 2018 में जो 10 मिलियन जो लोग थे विश्व के, वो टीबी रोग से ग्रस्त हुए थे, जिसमें से 1.5 मिलियन जो लोग हैं उनकी डेथ भी होगी। तो ये इतनी बड़ी जो एक ग्लोबल समस्या है वो विश्व में है, हमारे देश में है। तो जो टीबी थी, पुराने टाइम में लोगों को पता ही नहीं होता था कि टीबी है क्या है, कैसे होती है। लेकिन 1882 में रॉबर्ट कोच नाम का एक जो वैज्ञानिक था, उसने कुछ अपने साथियों के साथ, साइंटिस्टों के साथ इस जो है जीवाणु की, बैक्टीरिया की खोज की थी, जिससे आज जो है क्षय रोग होता है। तो जब उसने दूसरे वैज्ञानिकों को ये बताया कि हमने जो है इस बैक्टीरिया की खोज की है जिसके कारण जो है टीबी रोग होता है, तो वो वैज्ञानिक भी चकित रह गए थे कि ये कैसे जो है इन्होंने इसकी खोज कर ली। तो ये खोज करने के बाद कैसे चलता है, इसके 100 साल के बाद 1992 में जो है टीबी डे मनाने का फैसला हुआ था, तो एक शताब्दी के बाद। लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी जो थी सक्सेस हमारे को उसके ऊपर नहीं मिली। हाँ, हम वर्ल्ड टीबी डे मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उस टाइम जो थी, चाहे वो पैसे की समस्या हो या जो हमारे देश है वो इकट्ठा नहीं हुए थे, तब भी ये ग्लोबल जो वर्ल्ड लेवल पे जो है समस्या चलती रही। उसके बाद कई प्रोग्राम जो है इसके चेंज हुए, नाम इसके चेंज होते गए। आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हमने अब ठान लिया कि पूरे विश्व को जो है हम टीवी से मुक्त कर देंगे। उसको टीवी उससे अपने होनी चाहिए, तब बहुत बिगड़ेगा। और सबसे ज़्यादा बिगड़ने का ही कारण है कि जो मरीज बार बार दवाई छोड़ेगा वो हमेशा बीमार रहेगा, और वो फैलाएगा भी, और MDR से वो रुक नहीं पाएगा। अब MDR में क्या है, हमारा एक शॉर्ट रेजमेंट ट्रीटमेंट आया लास्ट ईयर, वो हिमाचल में आपको ले रहा, उसमें एक टेबलेट है बुडाक्लिन, इतनी सी डब्बी होती है और उसमें हमारी 60 गोली होती है, और आप सोच उसे कॉस्ट की 18 लाख की कॉस्ट है। एक MDR को बचाने के लिए जब हमने 60 टेबलेट उसको बचानी है तो उसकी 4 लाख की एक डब्बी की कॉस्ट है। वो उसको MDR ना बने, इतना बर्डन स्टेट पे ना पड़े, तो हमें क्या करना है कि जैसे ही टीबी का मरीज आता है तो उसको इंग्लिश ट्रीटमेंट स्टार्ट करो और उसकी काउंसलिंग जो हर 10-15 दिन में करो, ताकि वो उस दवाई को पूरा कर सके। सर, हमने यहाँ पे जो नज़दीकी पंचायतें, एक तो स्थानीय पंचायत जो है कृष्णगढ़ कुठाड़,
इसके जो PRI मेंबर हैं उनको हमने आमंत्रित किया था। इसके अलावा जाडला पंचायत के, जगजीत नगर पंचायत के, दाड़वा पंचायत के, ये जो हमारी नज़दीकी पंचायतें थी इनको भी हमने आज यहाँ पर आमंत्रित किया था। क्योंकि एक तो हमने आज वर्ल्ड टीवी डे मनाना था, उसके बारे में हमने लोगों को अवेयरनेस दी। इसके अलावा भी हम पंचायती राज मेंबर के जो हमारे नए जो मेंबर बने हैं आजकल, तो उनको अभी स्वास्थ्य विभाग की जो भी योजनाएं हमने स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए शुरू की है, तो उन सब के बारे में भी आज हमने हमारे PRI मेंबर्स को जो है यहाँ पे सेंसिटाइज किया, तो इसलिए उनको भी हमने आज यहाँ पे आमंत्रित किया था। आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे पर और भी कोई गतिविधि करवाई गई आप लोगों की तरफ से? हाँ, हमने यहाँ पे पोस्टर मेकिंग जो है ये यहाँ करवाई, ताकि हम लोगों को ये जो है जागरूकता देना चाहते थे पोस्टर के द्वारा। जैसे जिन प्रतिभागियों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की है कि हम लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं, कि वो समझे कि आज के जो है दिन की अहमियत क्या है। तो उन्होंने अपने पोस्टर में लोगों को मैसेज दिया है कि TB होती कैसे है। कई जो हमारे प्रतिभागी, तो उन्होंने दिखाया था कि हमारे फेफड़ों के कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे हमने दवाई लेनी है और कैसे हमने लोगों की जांच करनी है फील्ड में जाके, कैसे हम उनको ढूंढते हैं। कईयों ने साइन सिम्टी जो थे वो भी उसके ऊपर अपने पोस्टर के ऊपर के दर्शाए थे, और वहाँ पे पोस्टर पे उन्होंने जो है फोटोग्राफी भी की थी कि हम लोगों को जागृत कैसे करना है। आजकल जो हमारे कोई भी आजकल जो अवेयरनेस एक्टिविटी होती है, उसमें सबसे पहले हम COVID-19 के बारे में तो लोगों को जागरूक करते ही करते हैं, क्योंकि ये तो वैसे ही दोनों ही जो है सिमिलर टाइप की जो है इनकी इन्फेक्शन मानी गई है, या ड्रोपलेट के द्वारा जैसे TB भी फैलती है और ये भी फैलती है, COVID-19 जो है हमारा कोरोना वायरस है ये भी ऐसे ही फैलता है। तो हमने इसके साथ साथ लोगों को ये अवेयरनेस भी दी कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई भी ढिलाई नहीं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये घोषणा की है कि हमें उन चीज़ों के साथ ही अब जीना पड़ेगा। मास्क लगा के रखें, जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जैसे 2 मीटर की हमने यहाँ भी हमने ये कोशिश की है कि हम जो हमारे यहाँ पे लोग बैठे आए थे जो पार्टिसिपेंट, उनको दूर दूर बिठाएं, जिसके जिसमें 2 मीटर की जो है उनमें डिफरेंस जो है बना रहे। इसके अलावा हमने लोगों को ये जानकारी दी कि वो अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहे बार बार। जरूरी नहीं है कि वो सैनिटाइजर से करें, अगर वो घरों में है तो उनको साबुन से 20 सेकंड तक अच्छे से जो अपने हाथों को जो सफाई करें। उन्होंने बताया कि इसकी दवाई मुफ्त दी जाती है। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों और आशा कार्यकर्ताओं से प्रदेश को क्षय रोग से मुक्त करने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की भी बात कही। कुठाड़ जिला सोलन से AC News के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट।